अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी का दिन है और दिन इस वजह से खुशी का है जी क्योंकि आज हमने अपने जो चकोरे हैं, ठीक है, गैनीफोल्ड्स, उसके जो हमने एग्स कलेक्ट किए थे उन्हें इंक्यूबेट करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह जी बच्चे कितनी जल्दी निकलते हैं और कितने बच्चे निकलते हैं। तो आए जी उसका सिस्टम सारा देखते हैं, सेटिंग करते हैं, तो आए जी चलते हैं। थोड़ा सा करीब आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी वो एग्स हैं जिसमें इस टाइम जो है क्लोड्स कह लें, ठीक है, ब्लड के वो बन चुके हैं। ये मैंने अभी इन्हें लाइटनिंग करके देखा है। तो ये जी हमारे वो हैं, ठीक है, एग्स हैं ये सारे गैनीफोल्ड्स के चकोरे हैं जिसे कहते हैं। वीडियो में पिक्चर आ रही होगी, ठीक है जी, और हमारे मिनी जू में भी आपको पता है। और आए जी, और ये एग्स हैं, ये भी उन्हीं के ही हैं, ठीक है जी, चकोरों के। तो और ये एक एग जो है ये है जी हेन का एग, ठीक है। तो आए जी सबसे पहले इनके ऊपर नंबरिंग करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो, ठीक है जी। तो आए जी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, यहाँ पे हम एक पहले गोल दायरा बनाते हैं, दायरा, ठीक है जी। इसके अंदर लिख देते हैं सी, सी से चकोर, ठीक है जी। और आज की डेट लगा देते हैं ऊपर, डेट। इसके साथ हम आज की डेट भी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि ये एग जो है वो किस डेट का है, ठीक है जी। तो आए जी सारे पे इसी तरह ही लिख देते हैं। और जी ये जो है एक है, ये है हमारी हेन का, ठीक है जी। इस वजह से इसके ऊपर एच लिख देते हैं क्योंकि ये हमारी हेन का एग है, ठीक है जी। और इसके ऊपर भी आज की डेट लगा देते हैं। चलें जी, और जी ये हमारा हो गया काम कंप्लीट। अब चलते हैं जी और इन्हें जी अपने इनक्यूबेटर में रखते हैं, ठीक है जी। तो आए जी चलते हैं। तो जी हम आ गए हैं जी, और यार हमें और तो कहीं जगह नहीं मिली तो हमने ये स्टोर रूम में रख दिया, ठीक है। और ये जी हमारा आ गया इनक्यूबेटर, ठीक है जी, जिसमें हम लगाएंगे एग्स अपने, ठीक है जी। तो आए जी ये इन्हें रखते हैं इधर सबसे पहले, और इनक्यूबेटर की मैं लाइट ऑन करके आता हूँ जी हमारा। और एक और बात बताता हूँ, ये जी ये मैंने तकरीबन खुद ही बनाया सारा, ठीक है जी। ये देखे ये इनक्यूबेटर, ये तकरीबन खुद ही बनाया सारा मैंने, ठीक है जी। तो आए सबसे पहले जी इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है, और फिर बाकी काम देखते हैं। बल्कि सबसे पहले ये रख देते हैं ताकि हमारे हमें डर ना हो सबसे पहले। तो जी इसे खोलते हैं सबसे पहले, अभी तो बहुत गंदा है अंदर से, तो इसे भी साफ कर लेते हैं किसी चीज से, ठीक है जी। ले जी ये हो गया जी साफ हमारा इनक्यूबेटर, ठीक है जी। अब इसके अंदर जी रखते हैं सबसे पहले पानी, ये आ गया जी पानी आ गया, ठीक है, और ये पानी आ गया जी हमारा, और ये आ गए जी हमारे एग्स, ठीक है जी, ये आ गए एग्स। और आए जी आए, ये इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये दरअसल अभी ऑटो पे लगा हुआ, इस वजह से वो लाइट ऑफ हो गई है, ठीक है जी। तो इसे वन बाय वन करके लगा देते हैं। ठीक है जी, तो इवन का डोर भी क्लोज कर देते हैं। और जी ये भी अब हम एग जो है अपने लगा देते हैं हैंस के, इसके अंदर ये सब चकोरों के हैं, का जस्ट एक ही था, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें जी। ठीक हो गया जी।
ये हमारे जी कंप्लीट हो गए हैं और अब जी टाइम आ गया है जी इसकी सेटिंग करने का, ठीक है जी, और एडजस्टमेंट करने का। तो आए आए जी आए, मैं आपको आपको बताते हैं। ये देखें, ये मैंने इसकी पहले लिख के रखी हुई थी, ठीक है जी। ये टेम्परेचर जो है, ये देखें, ये टेम्परेचर, ये 70 हो गया। तो दोस्तों ये जी हमारी जो सेटिंग है, पसीना देखिए कितना ज्यादा आ गया हुआ है। ये सेटिंग जो है वो हमारी हो चुकी है और अब जी हम इसके अंदर डे बाय डे इसकी चेंजिंग्स जो है वो सारी देखेंगे और देखेंगे जी कितनी जल्दी हमारे जो है चिक्स वो तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, और फिर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो फिर हम देखेंगे जी माशाल्लाह कितने बच्चे से निकलते हैं। आज की जी वीडियो उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी और जी काइंडली प्रे कीजिएगा ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है हमारे चकोरों के, ठीक है जी, वो निकल सके ताकि हम उनके साथ भी अपनी बेस्ट और अच्छी मेमोरीज बना सके, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।